नमस्कार दोस्तों, माय ड्रीम माय क्रिएशन तुहिना चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर रानू साहू जी, उज्जैन से आई हुई हैं आप लोगों से मुखातिब होने के लिए। आप लोगों को याद होगा कि हमने अपने चैनल पर एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया था, सिंगिंग कंपटीशन 2001 बाय माय ड्रीम माय क्रिएशन तुहिना, MDMC तुहिना। तैयार हो जाइए दोस्तों, जिसमें हमने ये कहा था कि आप फ्री स्टाइल में कोई एक सॉन्ग, जो मैंने दिए हुए थे 10 सॉन्ग्स दिए हुए थे, उसमें से कोई फ्री स्टाइल में सॉन्ग गा करके आप हमें भेजेंगे। और आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में हमको सॉन्ग उपलब्ध कराए हैं अपने अपने, और हम सोच रहे हैं कि इस दीपावली में आप लोगों के सॉन्ग को आप लोगों के समक्ष मार्किंग करने के बाद प्रस्तुत करूँ, वैल्यूएशन कराने के बाद, जजमेंट कराने के बाद। तो इस काम के लिए रानू जी उज्जैन से मेरी मदद करने के लिए आई हुई हैं, और अगले जो भी सॉन्ग आप लोगों ने भेजे हैं उन सॉन्ग्स को जब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मार्किंग के बाद या जजमेंट के बाद प्रस्तुत करूंगा, तो उनकी प्रस्तुति रानू जी ही करेंगी, उनकी शुरुआत, उन एपिसोड्स की शुरुआत रानू जी करेंगी। इस कारण वो आज हमारे यहाँ आई हुई है। आपका स्वागत है रानू जी हमारे इस छोटे से चैनल के प्लेटफॉर्म पर, हमारे छोटे से स्टूडियो में आप आई, हमें बहुत खुशी हो रही है। आप कुछ अगर दर्शकों से बात करना चाहें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा गाया, हम सब ने आपको सुना है, और मनोज सर का मतलब आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे अपने साथ काम करने का एक छोटा सा इतना प्यारा सा अवसर दिया, और आप सब लोगों से मुखातिब होने का अवसर मिला मुझे, इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। तो आज का ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य मकसद ये था कि बहुत सारे लोग कई दिनों से मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे यूट्यूब पर या स्टार मेकर पर कि सर जो जो कंपटीशन आयोजित किए थे उसका क्या हुआ, कब तक आएगा, क्या आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दीपावली से हम इसका एपिसोड देना शुरू कर रहे हैं। मैं आपको फॉर्मेट बता दूं, आप लोगों के लगभग 370 के आसपास सॉन्ग्स मेरे को प्राप्त हुए हैं, और उन सॉन्ग्स को हमने जजमेंट करने के लिए जजेस के सामने रखे हैं। 75 नंबर में आपकी मार्किंग हुई है, और 75 में सबको कुछ ना कुछ नंबर मिले हैं, किसी को हो सकता है कि 10 नंबर मिले हों, किसी को 75 में 74-75 मिले हों। तो वो जजमेंट होने के बाद अब हम उन उतने सारे सॉन्ग्स को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, आपको दिखाएंगे कि आपको कितने नंबर मिले हैं, और आपका सॉन्ग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगा जो आपने भेजा है। इसके लिए हमने 11 एपिसोड तैयार किए हैं। 11 एपिसोड ऐसे हैं कि 30-33-35 करके लगभग एक एपिसोड में सॉन्ग्स होंगे, और उन सॉन्ग्स में आपका गाना आता रहेगा, आपको कितने नंबर मिले वो शो होंगे, और जो जजेस हैं उन जजेस का भी जो है हम फ्रेम में लगाएंगे कि इन्होंने जजमेंट दिया है। तो इस तरीके से लगभग आधे आधे घंटे के 11 एपिसोड होंगे, और वो हम दीपावली के समय से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर देना शुरू करेंगे। दूसरी बात यह कि हमारे पास लगभग, आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा मैं, कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मेरे इस इनविटेशन को स्वीकार किया है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दूसरे कंट्रीज से भी लोगों ने भेजा है मुझको सॉन्ग्स, जैसे कि बांग्लादेश से, नेपाल से, USA से, कुवैत से, इंडोनेशिया से, यहाँ के पार्टिसिपेंट्स भी हमको सॉन्ग्स भेजे हैं इस कंपटीशन के लिए। तो उन सभी भारत से बाहर के समस्त कंट्रीज़ के समस्त जो प्रतिभागी हैं उन लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें एक प्रकार से अपने सॉन्ग भेज करके आपने हमें रिस्पेक्ट दिया है। 30 से 40 ऐसे सिंगर्स के स्टार मेकर पर सिंगिंग करने वाली है या स्मूलों पर सिंगिंग करने वाले लोगों के सॉन्ग्स आए हैं, जिनकी उम्र लगभग 60 से ऊपर तो है, 65, 70 और 75 रिटायर्ड पर्सन्स ने भी सॉन्ग्स भेजे हैं, और उनको मैं स्पेशली, उन सभी को मैं स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी आवाज़ से हमारे चैनल में पार्टिसिपेट करके हमें खुशी दी। हमें अच्छा लगा कि इतने बुज़ुर्ग लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो हमारे इस प्रोग्राम से प्रेरित होंगे या फिर उत्साहित होंगे, जिस कारण से उन्होंने हमको सॉन्ग भेजा होगा। जजेस से हमने जजमेंट करने से पहले कुछ उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपको जजमेंट में 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जब वो आपने गाया है, ये जो सॉन्ग आप सुन रहे हैं,
उसको सुनने में ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये सॉन्ग सुनने में अच्छा लग रहा है? उनकी आवाज़ से हमें लेना देना नहीं है कि वो किशोर कुमार जैसा गाते हैं या मोहम्मद रफ़ी या मुकेश जैसे। हमें उन सिंगर्स के आवाज़ में आपके सॉन्ग्स नहीं चाहिए थे, हमें आपके ओरिजिनल आवाज़ से हमें सॉन्ग्स चाहिए थे। तो ओवरऑल आपने अपनी आवाज़ में जो सॉन्ग गाए हैं फ्री स्टाइल में बिना म्यूजिक के, वो सुनने में ओवरऑल कैसा लग रहा है? पहली बात। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन मुँह से उच्चारण इतने गलत तरीके से करते हैं कि पूरा का पूरा सॉन्ग डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी आवाज़ है लेकिन उनके पास सुर नहीं है। कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी सुर हैं पर उनके पास अच्छी आवाज़ नहीं है। सुनने में बहुत अच्छे सुर में गा रहे हैं पर उनकी आवाज़ में वो चीज़ नहीं है कि लगे कि हाँ इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सुर में है, फुल सुर में है, बहुत अच्छे रेंडिशन के साथ गा रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों का सामना भी करना पड़ा जजेस को, और उसके बाद भी उनका ही फैसला अंतिम फैसला होगा। हमने उस जो जिस वीडियो के द्वारा हमने आपसे इनवाइट किया था उसमें मैंने बोला था कि आपके जो सॉन्ग्स 30 सितंबर तक आएंगे उसमें से हम जजेस के द्वारा मार्किंग कराने के बाद टॉप 20 छाटेंगे। तो मैंने ये फील किया कि बहुत अच्छे अच्छे गाने वालों ने मेरे को सॉन्ग्स भेजे हैं, तो टॉप 20 के स्थान पर हम सोच रहे हैं कि टॉप 30 सेलेक्ट करेंगे। टॉप 30 वो कौन है, इसके लिए मैं आपको एक कष्ट देना चाहूँगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल पर दीपावली के दिन से 11 एपिसोड एक एक करके सभी का सॉन्ग्स देखें और अपना मार्क तलाश करें कि आपको कितना मिला, और कंपेयर करें लोगों के साथ कि आपने उनसे कितना अच्छा गाया या आपने उनसे कितना बुरा गाया। 11 एपिसोड निकलने के बाद मैं उस टॉप 30 लोगों के एक अलग से एपिसोड बनाऊँगा, उसमें केवल वो टॉप 30 जो जीतेंगे, जो टॉप 30 पर आएंगे, केवल उनका एक एपिसोड होगा, और उस समय मैं एक एक करके डिक्लेयर करूंगा कि टॉप पर कौन है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छे गाने का प्रयास किया, कई लोगों ने थोड़ा सा कम अच्छा गाया, तो हम लोगों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा गाया है उनको आप ज़रूर सुने, और सुनकर अपने आप को और उनसे अच्छा निखार कर लाकर आप यहाँ पर अपने आप को फिर से प्रस्तुत करें, और ये अवसर आपको फिर से दिया जाएगा। ये मनोज जी का निर्णय है। मैं रानू जी ने सही कहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर उन्होंने अपना सॉन्ग भेजा है कि बस हमको पार्टिसिपेट करना है, जरा से भी उनके उस सॉन्ग में सीरियसनेस नहीं दिख रही है कि चलो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ठीक तरीके से प्रस्तुत करें। कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी खड़े हैं और बस शुरू हो गया, कुछ भी गा दिया और भेज दिया। तो मैं उन लोगों से बोलूँगा कि आप पार्टिसिपेट करिए, आगे भी हम ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करते रहेंगे, आप हर बार करिए, पर जब आप किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें तो कम से कम उस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें। यूँ तो दिन भर गाते रहते हैं पर उस सॉन्ग को थोड़ा सा इस तरीके से गाइए ना बैठ करके कि लगे कि हाँ आपने एक कंपटीशन के लिए उस सॉन्ग को गाया है। बहुत से लोगों ने बहुत उत्साहित होकर के और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके सॉन्ग भेजा है, पर कहीं ना कहीं उनके सॉन्ग में इतनी कमियां हैं सुर में या फिर गाने के जो भी उनका प्रेजेंटेशन, जो भी हाँ उच्चारण में बोलने में काफ़ी गलती है, या फिर उनका जो एक फेस एक्सप्रेशन है उसमें भी बहुत सी दिक्कतें आई। तो गाते अच्छे हैं पर उनका जो गाने का तरीका है वो काफ़ी ऑड सा लग रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी की कोई मेरे को आलोचना करने की आवश्यकता है। मैंने सबको बुलाया, मैंने सबको रिस्पेक्ट दिया, मैंने अपने एपिसोड में सबको शामिल किया है, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैंने चाहे जितना बुरा गाया हो चाहे जितना अच्छा गाया हो, मेरे 11 एपिसोड में सभी के सॉन्ग्स आपको मिलेंगे। अब ये जजेस पर डिपेंड है कि उन्होंने आपको कितना मार्क दिया, उन्होंने आपका क्या एवेल्यूएशन किया। तो मेरे लिए आप सभी आदर सम्मान के पात्र हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस प्रतियोगिता में हिस्सेदारी की। तो इस दीपावली में आप सभी को शुभकामनाओं के साथ मैं अपने एक एक करके वीडियो चैनल पर दूंगा, और जिन्होंने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए उनको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं। हम भविष्य में और भी इस प्रकार के कंपटीशन आयोजित करते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये ज्यों ही ये वाला कार्यक्रम समाप्त होगा, इसके बाद फाइनल के लिए भी एक चक्र चलेगा जो शायद जनवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम फिर सेकेंड फेज
का कार्यक्रम शुरू करेंगे, तो ये हम अब सोच रखे हैं कि अब हमको ये आगे चलाते रहना है, लोगों को का वैल्यूएशन करते रहना है, क्योंकि इससे आपको भी एक लाभ होगा कि आप भी अपना एक प्रकार से घर बैठ के आप अपना वैल्यूएशन करा रहे हैं दो चार जजेस से, कि वो आपको वैल्यूएट करके बता रहे हैं कि आपका अभी सिंगिंग में स्टेटस क्या है, आपको कितना इंप्रूवमेंट करना चाहिए और आप अभी किस लेवल पर हैं। इस जजमेंट से आपको ये घर बैठे मिलते रहेंगे अगर आप ऐसे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। तो इस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद करता हूं कम से कम 30 लोगों के चेहरे तो मैं खिला पाऊंगा इस बार, उनको टॉप 30 पे स्थान दे करके, जो सोचेंगे कि हम फाइनल राउंड में गाएंगे। तो रानू जी, दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, आप सभी को। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।